नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूँ और 5W1H की शुरुआत हम करें जम्मू कश्मीर की खबर से, जहां सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया, लेकिन इसी बीच सुरक्षा बलों की कार्रवाई रोकने की नापाक कोशिश भी हुई है। डिटेल्स इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर, 5 आतंकी मारे गए। केलम गांव में सुरक्षा बलों पर पथराव हुआ, CRPF के 4 जवान घायल हो गए। आज सुबह सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया, दोनों ओर से फायरिंग हुई। मारे गए आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के बताए जा रहे हैं। आतंकियों के अभी भी छिपे होने की आशंका है, सर्च ऑपरेशन जारी है। कुलगाम में सेना, CRPF और राज्य पुलिस ने मिलकर अभियान चलाया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों पर पथराव हुआ, जिसमें CRPF के 4 जवान घायल हो गए। इससे पहले आज सुबह सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 5 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के खिलाफ इस कार्रवाई में सेना की 9RR बटालियन के साथ CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी शामिल है। बात करते हैं असहिष्णुता की, जो एक बार फिर से चर्चा में है। आपको बता दें, अभिनेता अमोल पालेकर अपने भाषण को लेकर विवादों में आ गए हैं। मुंबई में उन्हें बीच में ही रोक दिया गया था और आज उन्होंने अपने भाषण पर सफाई भी रखी है। विवाद के बाद बैकफुट पर आए अभिनेता अमोल पालेकर, कहा पहले से ब्रीफ नहीं मिली थी। मुंबई में NGMA के कार्यक्रम में अमोल पालेकर ने संस्कृति मंत्रालय की आलोचना की। शनिवार को NGMA में प्रभाकर बारवे की स्मृति में आर्ट एग्जीबिशन लगाई गई थी। बॉलीवुड के एक्टर डायरेक्टर अमोल पालेकर ने कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के निर्णय पर सवाल उठाया। अमोल पालेकर ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय NGMA से जुड़ी एडवाइजरी कमेटी को खत्म कर रही है। NGMA के अफसरों ने अमोल पालेकर को विषय से संबंधित बात रखने को कहा। शनिवार को मुंबई की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में प्रभाकर बारवे की स्मृति में एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था। बोधना आर्ट्स एंड रिसर्च फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में अमोल पालेकर बुलाए गए थे। यहां पर उन्होंने संस्कृति मंत्रालय के हस्तक्षेप की बात उठाई। इसके बाद NGMA के अधिकारियों ने उन्हें विषय पर अपनी बात रखने को कहा। इसके बाद भी अमोल पालेकर चुप नहीं हुए। However, on 13th November, another disastrous decision was apparently taken, namely, all future exhibitions, sorry, what is it? We have to, if functions about Prabhakar Barve, just stick to that. I'm sorry. Yes, I am relating to Prabhakar Barve only. This is not, this is, I'm sorry, sir. Although she is so much junior, I respected that position and I therefore said, okay, I will conclude and I concluded my thing. NGMA में अमोल पालेकर के साथ हुए विवाद के बाद इस मुद्दे पर राजनीति गर्म हो गई है। अमोल पालेकर ने तो वो कुछ आ रहे होंगे पहले से, अब उनको नहीं मिला इसीलिए वो आलोचना कर रहे हैं। अब सबको तो दिया नहीं जा सकता है, कुछ ही लोगों को मिल सकता है। जितने सीमित पद हैं तो उसी पर सीमित लोग बैठेंगे, ये असीमित वाले में आते थे, इसीलिए इनको कुछ मिला नहीं तो आलोचना कर रहे हैं। अमोल पालेकर जैसा एक शरीफ और बाइज्जत आर्टिस्ट, जिसने हिंदुस्तान के बॉलीवुड को काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, योगदान दिया है, ऐसे आर्टिस्ट की इस तरह से बदतमीजी करना, उसे बुलाकर स्टेज पर बोलते समय टोकना, और जब अगर वो अपने ख्यालात प्रकट कर रहा है तो बर्दाश्त की ताकत नहीं, इंटॉलरेंस की ये सबसे लेटेस्ट मिसाल है। तो क्या इस देश में सभ्य संवाद की अब जगह समाप्त हो गई? क्या कोई अपना मत रख सकता है इस तरह से, जिससे कि एक संवाद हो और ना कि लड़ाई हो? हमारी अगली खबर राजस्थान से है, जहां गुर्जर आंदोलन जारी है। वो 5% आरक्षण की मांग पर अड़े हुए हैं। रेलवे ट्रैक पर बैठे लोग कह रहे हैं कि जिन्हें भी बातचीत करनी हो वहीं आकर बात करें। राजस्थान में गुर्जरों का आंदोलन जारी, मांगे माने जाने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। राजस्थान में आंदोलन की वजह से ट्रेन सेवाओं पर असर, दिल्ली मुंबई रूट सबसे ज्यादा प्रभावित। शनिवार को सरकार और गुर्जर समाज के बीच बातचीत विफल हो गई थी। आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर तंबू लगाकर बैठे हुए हैं। राजस्थान में गुर्जर समाज 5% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा जिन्हें बातचीत करनी है उन्हें ट्रैक पर ही आना होगा।
गुर्जर आंदोलन की वजह से आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी दो परीक्षाएं स्थगित की। 5% आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जरों का आंदोलन आज भी जारी है। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इससे पहले शनिवार को राजस्थान सरकार के साथ उनकी बातचीत विफल हो गई। उसके बाद गुर्जरों की तरफ से ये ऐलान किया गया कि वो सरकार के पास कोई भी प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजेंगे और जो भी बातचीत होगी सबके सामने होगी। हम तो आपसे पहले भी कह दिया, आप भी कह रहे हैं कि हम तो जो कुछ फैसला होगा यही होगा। भाई स्ट्रेटजी यही है कि हम यही रहेंगे जब तक हमारा फैसला ना हो जाए, जब तक हमें हमारा हक ना मिल जाए, जब तक हमें 5% आरक्षण नहीं मिल रहा है मिलता हम यही रहेंगे। किसी यात्री को परेशानी ना हो इसकी हम अपील करते हैं कि यात्री और मुसाफिर को किसी आंदोलन से परेशानी नहीं होना चाहिए। बुनियादी मांगे अगर उनकी है तो सरकार से वार्ता करें, लेकिन यात्रियों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो ये रेलवे स्टेशन पे यात्रियों से मिलने के बाद। गुर्जर आज भी रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं। इससे दिल्ली मुंबई सेक्शन में रेल सेवाएं बुरी तरह से बाधित हुई हैं। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कईयों के मार्ग बदल दिए गए हैं। हमारी अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण भारत के दौरे से जुड़ी हुई है। आंध्र प्रदेश में उन्होंने सीएम चंद्रबाबू नायडू को करारा जवाब देते हुए कहा, चंद्रबाबू दल बदलने में सीनियर। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी का चंद्रबाबू नायडू पर हमला, कहा नायडू परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। गुंटूर में पीएम मोदी ने कहा, चंद्रबाबू दल बदलने के मामले में सीनियर है। आज पीएम मोदी दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने गुंटूर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने महागठबंधन पर निशाना साधा, कहा महामिलावट क्लब में सबके अपने स्वार्थ हैं। मोदी ने रैली में कहा कि चौकीदार ने नामदारों की नींद हराम कर दी है। प्रधानमंत्री आज दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर जमकर निशाना साधा। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में, आप सीनियर है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। आप सीनियर है आज जिसको गाली दें कल उसकी गोदी में बैठने में। साथियों, उन्होंने वादा किया था कि आंध्रा के इंफ्रास्ट्रक्चर का टर्न अराउंड करूंगा, लेकिन खुद ने ही यू टर्न ले लिया। उन्होंने अमरावती के नव निर्माण का वादा किया था, लेकिन अब पुनर्निर्माण में खुद लगे, खुद के पुनर्निर्माण में लग गए हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश के सनराइज का वादा किया था, लेकिन अपने सन SON अपने सन को ही राइज कराने में जुट गए हैं। आपको बता दें कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार आज भी CBI के सामने हैं। शिलांग में राजीव कुमार का सामना TMC के पूर्व नेता कुणाल घोष से कराया गया। कोलकाता में पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से आज दूसरे दिन CBI की पूछताछ जारी। शिलांग में कल राजीव कुमार से 8 घंटे तक पूछताछ की गई। आज TMC के पूर्व सांसद कुणाल घोष और राजीव कुमार को आमने सामने बैठाया गया। CBI के 10 अफसरों की टीम ने 22 पन्नों के सवाल तैयार किए हैं। शारदा चिट फंड और रोज वैली घोटाला केस में दोनों से पूछताछ हो रही है। राजीव कुमार की मांग पर पूछताछ की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। राजीव कुमार और TMC के पूर्व नेता कुणाल घोष से पूछताछ के लिए CBI के 10 अफसरों की टीम ने 22 पन्नों के सवाल तैयार किए हैं। CBI ऑफिस पहुंचने से पहले कुणाल घोष ने जांच एजेंसियों के सहयोग की बात कही। सूत्रों के मुताबिक राजीव कुमार की ओर से CBI को कहा गया है कि वो सरस्वती पूजा और बोर्ड एग्जाम की वजह से शिलांग में ज्यादा समय तक नहीं रुक सकते हैं। हालांकि इस पर CBI की ओर से कोई जवाब नहीं आया है।
2013 में SIT ने कुणाल घोष को गिरफ्तार किया था। कुणाल घोष सारदा घोटाले में ममता बनर्जी पर मिलीभगत के आरोप लगा चुके हैं। I have been asked to attend this office. All along I have cooperated with the investigating agency. So I came here to attend this office. That's all. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सिद्ध हुआ कि ममता जी गलत थी और CBI ठीक थी। अल्टीमेटली अदालत के फैसले के बाद श्री राजीव कुमार को CBI के सामने प्रस्तुत होना पड़ा। TMC के कई नेता और कई मंत्री इसकी चपेट में। UPA सरकार में विदेश मंत्री रहे SM कृष्णा का दर्द एक सार्वजनिक कार्यक्रम में छलक गया। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस में उनका दम घुटने लगा था और वो पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किए गए या फिर मजबूर हो गए। पूर्व विदेश मंत्री SM कृष्णा का आरोप राहुल गांधी के बढ़ते दखल की वजह से कांग्रेस छोड़ी। कर्नाटक के कार्यक्रम में SM कृष्णा ने अपनी मजबूरी का खुलासा किया। कृष्णा ने कहा कि 10 साल पहले राहुल गांधी सिर्फ सांसद थे लेकिन दखल हर मामले में देते थे। UPA 2 सरकार में विदेश मंत्री रहे SM कृष्णा ने कहा कि कांग्रेस में उन्हें घुटन होती थी। कृष्णा ने दावा किया कि राहुल गांधी ने कहा था कि 80 की उम्र वाले मंत्री न बने, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। SM कृष्णा ने आरोप लगाया कि सहयोगियों पर कांग्रेस की पकड़ ढीली हो गई थी और कई घोटाले हो गए। SM कृष्णा UPA 2 की सरकार में 2009 से 2012 के बीच विदेश मंत्री थे। पहले उन्होंने विदेश मंत्री पद से इस्तीफा दिया, फिर कांग्रेस पार्टी से। बाद में उन्होंने BJP ज्वाइन कर ली। SM कृष्णा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार में भी मंत्री थे। वो कर्नाटक कांग्रेस की सरकार में CM भी रहे। कृष्णा के आरोपों के बाद कांग्रेस के विरोधियों को बोलने का एक और मौका मिल गया है। खबर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब से जुड़ी हुई, जिसका कहर लगातार बढ़ रहा है। दोनों राज्यों में प्रशासन ताबड़तोड़ छापे और कार्रवाई कर रहा है, लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है। यूपी और उत्तराखंड में जहरीली शराब से 88 लोगों की मौत हो चुकी है। सहारनपुर, कुशीनगर और रुड़की में हुई मौतें, कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को लोग शराब पीने के बाद बीमार पड़े। यूपी में 175 लोग गिरफ्तार किए गए, 10 पुलिस वाले सस्पेंड। यूपी में जांच के लिए STF की 8 टीमें बनाई गई हैं। उत्तराखंड में 15 कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। दोनों राज्यों में अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट किया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। यूपी के सहारनपुर में 46 और कुशीनगर में 11 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। वहीं उत्तराखंड के रुड़की में मरने वालों की संख्या 31 हो गई है। यूपी सरकार ने शराब से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत की जांच के लिए STF की 8 टीमें बनाई हैं। उत्तराखंड सरकार ने आबकारी विभाग के 13 कर्मचारियों और 2 थाना प्रभारियों को सस्पेंड कर दिया है। जो घटना हुई है बहुत दुखद है घटना, क्योंकि लगातार सरकार को विपक्ष बताता रहा है। पहले भी जब घटना हुई तो ये बताया गया कि इस तरह का कारोबार चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में और आसपास के प्रदेशों से ये कारोबार हो रहा है, लेकिन सरकार नहीं जागी क्योंकि सरकार के लोग ही उसमें शामिल हैं। जहां भाजपा शासित प्रदेश और उनकी सरकारें चल रही हैं, वहां इस प्रकार की एक सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, इस प्रकार की जहरीली शराब वहाँ बंट रही थी, लोगों को परोसी जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सोई हुई थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जहाँ शराबबंदी नहीं भी है वहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी तो जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। बोथ इन उत्तर प्रदेश एज वेल एज इन उत्तराखंड, वेयर बोथ इन बोथ स्टेट्स द BJP रूल इज देयर एंड पर्टिकुलरली योगीज लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री, दीज ग्रोइंग नंबर्स आर अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न फॉर होल ऑफ द कंट्री। अब खबर आपको दिखाते हैं प्रयागराज से, जहां आज एक बार फिर हर हर महादेव का नारा गूंजा। सन्यासियों से लेकर गृहस्थ तक आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। शाही स्नान के लिए संगम का नजारा बहुत ही अद्भुत लग रहा है। प्रयागराज में आज तीसरा शाही स्नान, 2 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद।
संगम में देश दुनिया से पहुंचे श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कल से प्रयागराज में भक्तों का तांता लग गया, आज सुबह से विशेष स्नान जारी है। आज सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़े ने संगम में स्नान किया। बसंत पंचमी पर स्नान का विशेष महत्व है, आज कुंभ का आखिरी शाही स्नान भी है। सन्यासियों के बाद ग्रस्तों का स्नान शुरू हुआ, ये अब भी जारी है। प्रयागराज में तीसरे शाही स्नान के लिए कल से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी, आज सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़े ने स्नान किया। हर हर महादेव किनारों से संगम नगरी गूंज उठी, साधु सन्यासी उत्साह और आस्था के साथ स्नान के लिए पहुंचने लगे। एक के बाद एक कर सभी अखाड़ों के साधुओं ने स्नान किया। लोग साधु सन्यासियों की वेशभूषा को रुक रुक कर देख रहे थे। सन्यासियों के बाद ग्रस्तों का स्नान शुरू हुआ, ये अब भी जारी है। प्रशासन को उम्मीद है कि आज 2 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी आज कुंभ में स्नान किया। आज का दिन ऐसा शुभ है कि जिस दिन पे दान पुण्य स्नान आदि गुरु लोगों की पूजा करोगे तो जीवन सुखी रहोगे। सबसे बड़ी खुशी बात यह है कि आप टीवी के माध्यम से देश दुनिया में जो ये संदेश पहुंचाते हो, फोटो पहुंचाते हो, हम उसके लिए जबरदस्त आपके आभारी है। भारत की संस्कृति सभ्यता को देखते हुए उदारता को, वसुधैव कुटुम्बकम को, अतिथि देवो भव को, ये सारा स्वीकारता है। और इसीलिए मैं कुंभ में हम लोग आ करके पहले तो कुंभ की सफलता की प्रार्थना करते हैं। बाकी तो जो 2019 में हमको तो देखते ही लोग कहने लग रहे हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। हमने ठाना है राम मंदिर, भव्य राम मंदिर उसी जगह बनाना है और अब तो रास्ता भी निकाल दिया है। प्रयागराज में पहली बार 9 विदेशी साधुओं को निर्मोही अखाड़े ने महामंडलेश्वर की उपाधि दी। ये संत देश दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करेंगे।